गो बेबी। मेरे से तो खाए भी नहीं जाएगा एक बारी में, एक दो तीन चार ले रहे हैं। डू नॉट लिसन टू योर पेरेंट्स। जिम बैग, बॉक्सिंग बैग। मुझे अपने दिन का सबसे मुश्किल टास्क यही लगता है, वो है अपने बैग्स प्रिपेयर करना, क्योंकि इतना सारा सामान होता है जिम के लिए, बॉक्सिंग के लिए, कि उसको चेक करना और कभी कभार जब वो बैग में नहीं होता है और फिर याद करना कि वो है कहाँ पर, काफी चुनौतीपूर्ण टास्क है। वार्म अप ड्रिल परफॉर्म करेंगे जिसमें हम स्क्वाट के अलग अलग रेंज ऑफ मोशंस पर 1 सेकंड का ब्रेक लेंगे। I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. तो ये 1RM के 7mm के knee sleeves हैं, और हाल ही में अचिंता करके एक इंडियन वेटलिफ्टर है, उन्होंने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप्स में 1RM के knee sleeves के साथ गोल्ड मेडल जीता था। तो बहुत ही प्राउड मोमेंट था मेरे लिए और पूरी 1RM टीम के लिए। अभी ये शूज़ देखकर कई लोग कमेंट करने वाले हैं कि शूज़ कब लॉन्च हो रहे हैं। तो गाइस, इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा जा रही है। आई लव द डिज़ाइन, देखने में बहुत ही ज़्यादा क्लासी है, बट इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ही हमें 4500 पड़ रही है। तो इसको आगे बेचेंगे कितने का, तो अभी इसको हमने ऑन होल्ड डाल रखा है, बट इस साल मई तक हम लोग जरूर एक कॉस्ट इफेक्टिव स्क्वाट शू लॉन्च करेंगे। तो 100 और 120 kg बहुत ही आराम से उठ गया। अगर 140 से भी 2 रेप स्पीड से लग गए तो आज 150 ट्राई करूंगा। Don't try to drain my energy, the enemy is everything, it's mentally unhealthily spreading like a rare disease. But back ki width badhane ke liye weighted chin ups meri favorite exercise hai, aur is saal mera goal hai ki main 20 chin ups ek bari mein maar sakun, aur iski inspiration mujhe Siddhant Rai Sikand se mili. So ab jo mera last set hai chin up par, wo ek AMRAP set hai. पिछले हफ्ते 12 लगे थे, देखते इस बार कितने लगते हैं। तेरह रेप्स लगे, बहुत मन कर रहा था कि 15 मार लूं, लेकिन इसके बाद के जो 2 रेप्स होते उसमें मेरा चेन बार के ऊपर नहीं जाता, इसलिए मैंने अटेम्प्ट नहीं करा। बट सही है, आने वाले हफ्तों में 15 रेप्स हो जाएगा और कुछ महीनों में ही 20 रेप्स तक मैं पहुंच जाऊंगा। तो अभी केबल कर्ल्स और ट्राइसेप पुल डाउन्स का सुपर सेट परफॉर्म करेंगे।
ट्राइसेप पुश डाउन्स मुझे रोप के साथ ही अच्छे लगते हैं, स्ट्रेट बार के साथ उतना माइंड एंड मसल कनेक्शन नहीं बिल्ड हो पाता। और जब आप रोप के साथ परफॉर्म करो तो मेक श्योर करो कि आप रोप को पीछे की ओर खींच सको। वार्म अप डन, अब मेन सेट्स पर आते हैं। एक मैसेज जो मुझे बहुत सारे यंग लोगों का आता है वो ये है कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ, इस फील्ड में करियर बनाना चाहता हूँ, लेकिन घर वाले सपोर्ट नहीं करते। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार घर वालों का ना सपोर्ट जीतना पड़ता है। अब आपके घर वालों को क्या पता उस फील्ड के बारे में जिसमें आप करियर बना रहे हो, तो अगर वो आपको रोक रहे हैं उसकी वजह यह है कि वो आपकी केयर करते हैं, उनको अपनी कन्वेंशनल नॉलेज के हिसाब से पता है कि हाँ ये करियर सेफ है तो तुम ये करो। तो इसमें गलती तुम्हारे माँ बाप की नहीं है, बल्कि तुम्हें कुछ ऐसा करके दिखाना चाहिए राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि तुम उनका भरोसा जीत सको। और टाइम बीइंग अगर उनका भरोसा नहीं जीत सकते तो थोड़ा सा रिबेल करो, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो तुम फ्यूचर में अपने माँ बाप को ब्लेम करोगे और उससे तुम्हारा रिलेशन अपने माँ बाप के साथ ख़राब होगा। तो ये गैरी वी की एक एडवाइस है जिसमें वो कहते हैं कि डू नॉट लिसन टू योर पेरेंट्स। तो चलिए बनाते हैं एक एपिक चिकन बर्गर। इसके लिए आपको चाहिए बन ऑफ कोर्स, इसके अलावा आपको ऐसे दो आलू को मैश करके उसमें मिर्ची और नमक डालना है जैसे कि आप आलू के पराठे का मसाला बनाते हैं। 120 ग्राम चिकन ब्रेस्ट, चीज स्लाइस या अंडे में से कोई एक चीज। तो इस बर्गर का आइडिया मुझे KFC के डीलक्स बर्गर से आया जो कि अब डिसकंटिन्यू हो गया है। तो अभी मैंने टिक्की बनाने के लिए जो आलू है उसको ऐसे फ्लैट करके ग्रिलर में डाल दिया है। अब इसका फायदा क्या है, जब आप बाहर से बर्गर खाते हो तो उसमें जो टिक्की होती है वो डीप फ्राइड होती है, और यहाँ आपकी जो टिक्की बनेगी वो ग्रिल्ड बनेगी बिना किसी ऑयल के, तो जो कैलोरीज होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। चिकन बर्गर है तो एक चिकन टिक्की भी बनानी पड़ेगी। तो जो मेरा चिकन ब्रेस्ट है उसको मैं ऐसे मिक्सी में डाल रहा हूँ, इसमें मैं थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च ऐड कर रहा हूँ, फ्लेवर एनहांस करने के लिए थोड़ा सा ऑरेगानो ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद आपको अपने चिकन को ग्राइंड करना है और एक एक पीस बाहर निकाल लीजिए बिकॉज प्रोटीन आवश्यक है। इसके बाद आपको अपने चिकन पैटी को अपने मन मुताबिक एक शेप देनी है, सर्कल, स्क्वायर, पेंटागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, हेक्सागन, जो आपका मन करे। नेक्स्ट धीमी आंच पर पैन को गर्म होने दे और उस पर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लीजिए, फैला लीजिए। बाद आप दो लहसुन के क्लोव्स को ऐसे काट के पैन पर फ्राई होने दीजिए। ये चीज ऑप्शनल है क्योंकि मुझे गार्लिक का फ्लेवर बहुत पसंद है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। अपने गार्लिक को ऐसे ब्राउन होने दीजिए और उसके बाद अपनी चिकन पैटी को उसके ऊपर गिरा दीजिए। जब आपकी आलू टिक्की ऐसे तैयार हो जाए तब टोस्टर ऑफ कर दीजिए, नहीं तो वो जल जाएगी। अब इसे अच्छे से कुक होने के लिए आप पहले उसे दोनों तरफ से बाइट करके पका लीजिए। जब वो ऐसे दोनों तरफ से वाइट हो जाए तब उसे ढक दीजिए और 3-4 बार फ्लिप करके पकने दीजिए, क्योंकि उसे अंदर से कुक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जब तक चिकन पैटी बन रही है मैं अपने जो बर्गर बन है उसको थोड़ा सा गर्म कर लेता हूँ। ऐसे 2-3 बार उसे पलट के आपको ढक के रखना पड़ेगा 1-2 मिनट के लिए। याद रखिए सब्र का फल टेस्टी होता है।
आखिरी चीज एक पोच बनाना है। आखिरी स्टेप आपको अपने बर्गर को असेंबल करना है। मैं इसके बेस पर थोड़ी सी साउथ वेस्ट सॉस डाल रहा हूँ। आप अपना मन चाहा फ्लेवर डाल सकते हैं, तंदूरी मेयोनीज, बर्गर मेयोनीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद आपको इस पे आलू टिक्की रखनी है, फिर चिकन टिक्की, और फिर जो पोच एग आपने बनाया है वो रखना है। गाइस, शेफ थापेज हाई प्रोटीन बर्गर तैयार है। बर्गर मैंने बनाया तो मुझे तो टेस्टी लगेगा ही, तो इसका जो टेस्ट रिव्यू है वो हम मनोज से कराते हैं। आ जाओ भाई, मेरे से तो खाया भी नहीं जाएगा एक बारी में, एक दो तीन चार ले रहे हैं। सही है, वाओ। वो आलू अंडा और चिकन आपस में मिक्स हो रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा ना? बट वो ना थोड़ा मेल्ट सा फ्लेवर चिकन का आलू का। अब ये ना मैं घर जाके सबसे पहले बनाने वाला हूँ, घर पे भी खिलाने वाला हूँ। मजा आ गया। सही है, मजा आ गया। एक बाइट और खाऊंगा। ओ वाओ, मेरे को नहीं लग रहा था बना पाओगे ऐसा। मुझे खुद लग रहा तू एक्टिंग कर रहा है, तो सही में टेस्टी है। तो यार अंडे की जगह ना आप चीज़ भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से अंडा बेटर रहता है, क्योंकि योग की वजह से उसमें वो चीज़ वाला जो गुई फ्लेवर है वो भी आ जाता है, और प्लस आपको 6 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन भी मिल जाता है। तो गाइस, ये हैं इस बर्गर के मैक्रोस, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इसको एक बार ट्राई कीजिए। यू गाइस आर गोइंग टू लव इट। तो एक सप्लीमेंट जिसने मेरी बहुत हेल्प करी है अपनी नी इंजरी से रिकवर करने में, वो है फिश ऑयल। मैं पर्सनली मसल ब्लेस का गोल्ड फिश ऑयल प्रेफर करता हूँ। ये थोड़ा एक्सपेंसिव आता है रेगुलर फिश ऑयल से, लेकिन इसके दो बहुत बड़े एडवांटेजेस है। एक तो इसमें 3 गुना ज़्यादा EPA और DHA है, और दूसरा ये ट्राइग्लिसराइड फॉर्म है Omega-3s का, तो ये ज़्यादा स्टेबल रहता है और इसकी शेल्फ लाइफ बेटर होती है। तो इसे ऑर्डर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पहले लिंक को क्लिक कर सकते हैं। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप अपने भाई का कोड Yash30 का इस्तेमाल करें। अभी मैं ऑफिस में था और मेरे टीममेट ने मुझे सजेस्ट करा कि जो मेरे पुराने ऑफिस जिम का सामान था वो मैं यहाँ ले आऊँ और इस जगह पर एक जिम बना लूँ। और मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि हमारे इस ऑफिस में एक काफ़ी बड़ा कमरा खाली पड़ा है, और यहाँ पर आराम से एक JK 500 स्क्वाट रैक, बेंच और डंबल्स आ सकते हैं, पुलअप बार लग सकता है कहीं भी। और इनफैक्ट मैं यहाँ पर एक बॉक्सिंग बैग भी लगा सकता हूँ, और फिर मुझे गोडाउन में बॉक्सिंग प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। तो गाइस, अब थोड़ा सा काम काज कर लेता हूँ। शाम को शैडो प्रैक्टिस करूँगा, कल मेरा एक स्पारिंग सेशन है। नर्वस हूँ और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ मैं उसके लिए, तो दुआ करना कि वो अच्छा जाए। उसकी वीडियो आपको संडे को देखने को मिलेगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो देखकर मज़ा आया हो। वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, किसी एक दोस्त के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली बार, तब तक मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। पीस।